चैप्टर नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बस है वो हमने पढ़ना है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकेला भी आ जाता होता है, इसकी एप्लीकेशन अकेली भी आ जाती है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग हैं, इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन आना बड़ी मुश्किल बात है। अगर आए तो फिर मतलब सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि डिफाइन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गिव इट्स एप्लीकेशन, डेफिनेशन पे बात आ जाती है। और अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ आ जाए तो फिर उसमें एप्लीकेशन से नहीं आती, एप्लीकेशन से पहले पहले हमने लिखना होता है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें इसमें वो सीखने और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी है तो इसके अंदर छुपे हुए, तो वो हमने पढ़ने। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या चक्कर है, कैसे है, वो हमने सारी चीजें सीखनी है। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। मतलब कि जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होता है सम के, शर्त क्या है कि वो आपस में क्या हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, आपस में क्या हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो। मैथमेटिकली मैं यूं कहूं लेट वी हैव थ्री डिफरेंट गैसेस हैविंग देयर पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के मुताबिक ये स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर तीन गैसों के प्रेशर P1 P2 P3 हैं, उसको अलग अलग कैलकुलेट करो और उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके कैलकुलेट करो, प्रेशर चेंज नहीं होना। ये डाल्टन लॉ ने कहानी सुना दी। क्या सुना दी कि भाई आपके पास तीन गैसेज है, इसका प्रेशर है 400, इसका 500, इसका 100 है। 400 प्लस 500, 900 प्लस 100, 1000 होना चाहिए ना, इसको जमा करो 1000 बनता है एक बार। फिर इन तीनों गैसेज को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दो, एक जगह पे जब इकट्ठा कर दोगे तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करो, वो भी 1000 ही आएगा। अलग अलग करके प्लस कर दो तब भी 1000, और एक ही जगह पे इकट्ठा करके कैलकुलेट कर लो तब भी 1000 आएगा। तो ये था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का बेसिक थीम, कि प्रेशर ऑफ गैस ना कम होता है ना ज्यादा होता है, हर जगह पे क्या रहता है, अपनी उसकी वैल्यू बरकरार रहती है, बेशक वो इंडिविजुअल हो बेशक वो अलग हो। अब यहाँ पे एक लफ्ज है पार्शियल प्रेशर का, तो पहले उसको समझने जा रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है,
तो पार्शियल प्रेशर से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस लॉ को हमने कैसे डील करना है। सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इफ दैट प्रेशर विच एनी गैस एग्जर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस के एक मिक्सचर के अंदर मौजूद गैसेस में से जो एक गैस है वो जो ताकत दीवार पे लगाती है उसका प्रेशर क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इफ इट वर प्रेजेंट ऑल अलोन इन द कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब कि अगर वो अकेली हो, वॉल्यूम सिर्फ सेम हो, तब भी वही प्रेशर है। और अगर वो मिक्सर में हो तो जो प्रेशर वो दीवारों के ऊपर लगाती है तब भी वो वही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। मसलन मैं आप एक कहानी सुनाता हूं। एक डिब्बे के अंदर एक गैस है, मसलन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर हीलियम है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें वन गैस, इसमें टू गैस, इसमें थ्री गैस है। ये जो वन गैस डब्बे में पड़ी उसे सिर्फ प्रेशर कहेंगे, ये टू गैस सिर्फ डब्बे में पड़ी उसे सिर्फ प्रेशर कहेंगे, और थ्री गैस पड़ी उसे सिर्फ प्रेशर कहेंगे, या सिर्फ प्रेशर कहेंगे या उसके साथ वर्ड यूज करेंगे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक बात, अगर उनको मिक्स कर दो एक डब्बे में ले आओ, वन प्लस टू प्लस थ्री को, तीनों को एक डब्बे में ले आओ, तो वो जो तीनों का टोटल प्रेशर है उसमें से जो एक का प्रेशर होगा उसे कहेंगे ये एक का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल कहते हैं थोड़ा सा, टोटल कहते हैं सारा। इस सारे में से थोड़ा सा जो प्रेशर वन का है उसका नाम क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ वन। टू का जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू, थ्री का जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री को करें तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो असल में प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्लियर हुआ ना, कि प्रेशर सिंपली प्रेशर ऑफ गैस, इसमें कोई और मौजूद नहीं है, और पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? जब वो किसमें मौजूद हो, इन द मिक्सचर ऑफ गैस। ये भी वही सेम है, और उसके बाद मैंने उसकी मजीद डेफिनेशन की। इफ इट वाज प्रेजेंट इन ऑल अलोन इन द कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम, कि अगर वो सेम वॉल्यूम के कंटेनर में भी पड़ी हो तब भी उसका जो है ना वो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसे उसका क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सही हो गया। तो अभी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की बात हुई कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, वो मैंने बता दिया कि किसी भी गैस का प्रेशर उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो हमने शर्त बता दी उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा तो उसका जो प्रेशर मिक्सर में है वही अकेले में, तो इसीलिए उसके प्रेशर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, इसीलिए उसके प्रेशर का नाम क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है। खैर, अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं। अब यहां पे एक वर्ड यूज किया हुआ है नॉन रिएक्टिंग। देखो, अगर दो गैसेस आपस में मिक्स कर दी गई और वो रिएक्ट कर गई तो वो दो गैसेस तो ना रही, वो तो प्रोडक्ट बन गई, तो इसीलिए ऐसी गैस लेनी नहीं है जिनका आपस में कोई तांता वांता हो, कोई लेना देना हो। अगर लेना देना होगा वो रिएक्ट करके एक नई चीज बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, तो प्रोडक्ट बनने से वो नई चीज बन जाएगी, तो हमारी जो प्रेशर है वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करता है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम या ज्यादा हो गए रिएक्ट करने से, खींचने से, तो हमारा काम खराब हो गया, इसलिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस देनी है। अब मैं एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का बेसिकली मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो सुनिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के मुताबिक इफ वी हैव कंटेनर्स ऑफ गैस हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 डीएम क्यूब, सबका वॉल्यूम इक्वल है और सबका वॉल्यूम मैंने क्या रख दिया, 10 डीएम क्यूब रख दिया, एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ कोई टेम्परेचर लगे लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, देन इन दीज कंटेनर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मीथेन एंड ऑक्सीजन आर कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली विच वाज या विच वर 400 टॉर 500 टॉर एंड 100 टॉर रिस्पेक्टिवली respectively. ठीक है, अब देखो मतलब इसका क्या है कि मैंने कंटेनर्स लिए जिसका वॉल्यूम इक्वल था, इक्वल वॉल्यूम था और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था, तो उसके अंदर कितनी गैसेस ली मैंने, तीन अलग अलग से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन और ऑक्सीजन, ये तीन गैसेस ली और तीनों का प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया, तीनों का मैंने क्या किया, प्रेशर कैलकुलेट किया। जब तीनों का प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो कितना निकला, वो ए का निकला लेट्स सपोज दैट 400, ए का निकला 500 और ए का निकला 100 टॉर, ये निकला सही है। इसके बाद अगर ये कंफर्मेशन हमें मिल गई तो उसके बाद हम देखते हैं देन वी एड ऑल गैसेस in an other container of same volume and noted total pressure which was equal to 1000 टॉर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, हेंस Dalton's law is verified. Dalton's law क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। बस लाइक जब हमने
सारी गैसेस को ऐड कर दिया और टोटल प्रेशर निकाला, तो वो टोटल प्रेशर कितना निकला? 1000 का। वो कहता है इक्वल टू सम था, जो सम के इक्वल हो टोटल प्रेशर, तो इसे तो कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसे तो कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब देखें, आप मैं उसका जो एग्जाम्पलीफाइड फॉर्म में जो इसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो सुनिए। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स बनाने हैं हमने, जिनका वॉल्यूम क्या हो? इक्वल हो। जिनका वॉल्यूम क्या हो? इक्वल। इसके अंदर लेट्स सपोज दैट हाइड्रोजन गैस रख दी, इसके अंदर मीथेन गैस रख दी, इसके अंदर कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस थी। और इसमें हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सर डाल सारी गैसेस में ऐड करनी है। मतलब सुनेगा, मतलब ये है कि इसके अंदर लेट्स सपोज दैट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन चेक किया तो वो निकला लेट्स सपोज दैट 400 बार, नॉट कंफर्म बट इट इज एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड वेरिफिकेशन बेस वैल्यूज, जो हम सिर्फ उसे समझने के लिए ले रहे हैं। मीथेन, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन चेक किया, लेट्स सपोज दैट वो निकला 500 टॉर। सही है। फिर हमारे पास था यहां पे ऑक्सीजन गैस थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाला, वो निकला 100 टॉर। इन्हें कहते हैं इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, इन्हें कहते हैं इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। इस कंटेनर में हाइड्रोजन है, इसमें मीथेन है, इसमें। अब सारों में शर्त देखो, सारों का वॉल्यूम है 10 dm³ और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये कांस्टेंट कर दिया हमने। ये क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, ताकि क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता होता है, इसलिए हमने ये दोनों कर दिए कॉन्स्टेंट, ताकि अब प्रेशर में कोई गड़बड़ हमारी वजह से ना आए, उसकी वजह से आए तो आए। अब ये तीन गैसेस थी, हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन गैस थी और ऑक्सीजन गैस थी। अलग अलग से मैंने प्रेशर कैलकुलेट किए, मेरे पास कंटेनर में ये अलग अलग मौजूद थी। मेरे पास हाइड्रोजन थी, वो कितने प्रेशर के साथ मौजूद थी? 400 के साथ। मीथेन थी, लेट्स सपोज दैट कितने प्रेशर के साथ मौजूद थी? 500 के साथ। और ऑक्सीजन मौजूद थी कितने प्रेशर के साथ? 100 टॉर के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तीनों को पकड़ के एक कंटेनर में डाल दी, जिसका वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। अब इसमें ये गैस भी आ गई, ये गैस भी आ गई और ये गैस भी आ गई, सारी गैसेस आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो अब इन सारी गैसेस का प्रेशर क्या कहलाता है, टोटल प्रेशर जरा कैलकुलेट करो। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1000 टॉर निकला। वो निकले कितना? 1000 टॉर। तो यहां से मैं कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया कि इसको प्लस इसको जब जमा करो, तो ये प्लस ये प्लस ये सारे इसमें ऐड किए, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस गिव्स यू टोटल। तो अगर तो इनका जमा और टोटल बराबर है, तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वेरीफाई हो गया कि आप अलग अलग कैलकुलेट करो या एक ही कंटेनर में डाल के इकट्ठा कैलकुलेट कर लो, इसका सम और ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यूं कहता हूं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रेशर। ये मैंने कैलकुलेट किया था कितना? 400 टॉर। और इसे मैंने लिया था कितना? 500 टॉर। और इसे मैंने कितना लिया था? 100 टॉर। और इसे जब टोटल प्रेशर किया तो वो कितना आया? 1000 टॉर। तो जब इसको जमा किया गया तो वो कितना निकला? 1000 टॉर। और टोटल भी कितना है? 1000 टॉर। तो कहता है कि अलग अलग कंटेनर में जमा अपना कैलकुलेट करके उसे जब रिजल्ट निकालते तब भी 1000 आता है। तीनों गैसें तो एक ही कंटेनर में डाल दो तब भी 1000 आता है। प्रेशर में कोई कमी या इजाफा नहीं होता, जो जिसका प्रेशर है वो वही लगाएगी, वो अपना प्रेशर कम या ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो हेंस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वेरीफाइड। क्लियर होगी बात?
तो इस तरह ये किया गया एक्सप्लेन कि इन तीनों में आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे, और अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये तो फिर मिक्सचर बन जाएगा ना, ये तो कोई प्रोडक्ट बन जाएगी। तो प्रोडक्ट नहीं बनानी हमने, तो हम कहते हैं ये प्लस ये, जब तीन गैसेस को ऐड करते हैं तो जब मिक्सचर बनता है, मिक्सचर का प्रेशर और इन तीनों को ऐड करें तो उसका प्रेशर इक्वल होना चाहिए, प्रेशर में कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग था? डाल्टन लॉ ऑफ मोशन, प्रेशर के अकॉर्डिंग था। यही तो मैंने कहा था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वन, प्रेशर ऑफ टू और प्रेशर ऑफ थ्री गैस। इन तीनों का गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट करो और टोटल प्रेशर कैलकुलेट करो, बात एक ही है, दैट इज कॉल्ड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।